नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज़ में। मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे डबल डेकर ट्रेन के बारे में। बिहार में बहुत ही जल्द हम लोगों को डबल डेकर ट्रेन का परिचालन जो है शुरू होने वाला है। इसको लेकर रेलवे की तरफ से पहल शुरू कर दी गई है। बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे और ईस्टर्न रेलवे बोर्ड को यह प्रस्ताव भेजा गया है। बता दें कि रेलवे बोर्ड से इसकी मंजूरी के लेकर प्रस्ताव जो है वह जो है जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर मंजूरी मिलती है तो पहली खेप में एक एक नई रैक बिहार और पश्चिम बंगाल को मिलेगी। साथ ही साथ मंत्रालय को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार डबल डेकर ट्रेन के निचले तल्ले पर माल ढुलाई और ऊपरे तल्ले पर यात्रियों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो दिल्ली से हावड़ा के बीच डबल डेकर ट्रेन चलाने की कवायद शुरू की गई है। इसमें पूर्व मध्य रेलवे से पटना, बरौनी, कटिहार के रास्ते और पटना किउल के रास्ते डबल डेकर ट्रेन चलाने का रूट निर्धारित किया गया है। इधर पूर्व रेलवे कोलकाता ने मंत्रालय से कम ऊंचाई वाली डबल डेकर ट्रेन की मांग की है। इससे माल ढुलाई और यात्रियों की सुविधा हो सके। इस पूरे मामले को लेकर बोलते हुए पूर्व मध्य रेलवे के PRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि डबल डेकर ट्रेन का परिचालन दिल्ली से हावड़ा तक करने के लिए विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डबल डेकर का प्रस्ताव रेलवे के वरीय अधिकारियों को भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलने के बाद ECR यानी कि पूर्व मध्य रेलवे और ER ईस्टर्न रेलवे खंडों को डबल डेकर ट्रेन परिचालन लायक बनाया जाएगा, यानी कि रेलवे ट्रैक पे जो है काम किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि डबल डेकर से पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू किया जाएगा। वहीं डबल डेकर ट्रेन के किराए को लेकर बताते हुए उन्होंने कहा कि इसका किराया जो होगा वह शताब्दी ट्रेन से कम होगा। वहीं डबल डेकर ट्रेन जो पटना से दिल्ली पहुंचने में 8 घंटे लगेंगे, ट्रेन में कई अत्याधुनिक जो है सुविधाएं होंगी। इसमें यात्रियों को एंट्री और ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर और बैटरी लगी होगी, जिसमें कि आधुनिक सस्पेंसर सिस्टम की वजह से यात्रियों को सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जाएगा। बताया गया है कि ट्रेन की एक बोगी के नीचे में 48 सीटें रहेंगी, वहीं ऊपर वाली बोगी में 50 सीटें रहेंगी। इन सीटों के आगे पीछे भी किया जा सकता है। इस ट्रेन में हाईटेक सुविधा होगी, इसमें कि अगले स्टेशन के बारे में भी आपको पहले से ही जानकारी मिलती रहेगी। बता दें कि इस ट्रेन का नाम सेमी हाई स्पीड डबल डेकर ट्रेन रखा गया है। ये भी बता दें कि इससे पहले धनबाद से हावड़ा के बीच में डबल डेकर ट्रेन चलाई गई थी, लेकिन ट्रेन परिचालन में घाटे के कारण इसे जो है बंद कर दिया गया है। एक तरह से कह लें कि बिहार में इससे पहले की जो खबर आई थी वह बुलेट ट्रेन को लेकर थी, जिसमें कि एक रोड मैप तैयार हो गया था और उसके रूट के बारे में बताया गया था कि बिहार में जो है बुलेट ट्रेन कौन से रास्ते से गुजरेगी। अब जो खबर सामने निकल कर आई है उसमें पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से यह कहा गया है कि अब जो है बिहार में दिल्ली से हावड़ा के बीच में जो पटना का इलाका है उसके तहत जो है ये कौन से ऐसे ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर डबल डेकर ट्रेन जो है चलाई जाएगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।